अशोक यादव जो सांसद बने हैं, आपको बता दें कि इससे पहले वो विधायक हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उनके पिता जो थे सांसद हुकुम देव नारायण यादव, उत्कृष्ट सांसद का उन्हें अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री हैं वो और मिथिला के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि उनके भाषण में कहीं ना कहीं एक कॉमेडी रहता है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अशोक यादव उनके उत्तराधिकारी बने हैं और अपने क्षेत्र में वो भारी मतों से विजय किए हैं, लगभग 4 लाख से ऊपर से वो विजय प्राप्त किए हैं। अब जब सांसद सत्र शुरू हुआ है, जब सभी सांसद मौजूद हैं संसद में, आपको बता दें कि अशोक यादव ने आज मिथिला के लोगों के लिए पाग और माला जो मखान का सम्मान है वो बचाते हुए सांसद में कहीं ना कहीं मिथिला में शपथ ग्रहण किया है और यही एक बड़ी बात होगी मिथिला के लोगों के लिए, उनके तरफ खींचने के लिए। जो वोटर थे इस बार तो मोदी नाम पर उन्हें वोट मिल चुका है, लेकिन एक बड़ा एक काम जो हुआ है मिथिला के लोगों के लिए, मिथिला में शपथ ग्रहण अशोक यादव ने किया है और उनके साथ गोपाल जी ठाकुर भी हैं जो दरभंगा के सांसद हैं, उनके साथ झंझारपुर के सांसद हैं रामप्रीत मंडल और रामचंद्र पासवान जैसे ऐसे मधेपुर के भी सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, उन सभी लोगों ने हिंदी में किया है और ये 3 जो सांसद हैं वो मिथिला में सांसद में शपथ ग्रहण किया है। आगे आपको विशेष कवरेज दिखाएंगे, देखते रहिए भारत उदय समाचार, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारत प्रभुता और अखंडता के अक्षुण राखब और जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी ताकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जे लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलू अछि, ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारत प्रभुता और अखंडता के अक्षुण राखब और जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी ताकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब।